दोस्तों एक भाई साहब ने यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं कि मैंने 2 RAC में टिकट बुकिंग किया है, अगर मैं 1 RAC टिकट को कैंसिल कर देता हूँ तो जो मेरा 1 RAC टिकट बचेगा क्या वह पूरा कंफर्म हो जाएगा, पूरा फुल सीट यानी मिल जाएगा पूरा फुल सीट अगर मैं 2 RAC टिकट में 1 RAC टिकट कैंसिल कर देता हूँ तो। तो दोस्तों यहाँ पर इन भाई साहब ने एक गजब का आइडिया लगाया है RAC टिकट को कन्फर्म करने का, लेकिन क्या यह दोस्तों सच्चाई है कि ऐसा करने पर इनका एक जो RAC टिकट कैंसिल करेंगे तो एक जो RAC टिकट रहेगा इनको पूरा सीट मिल जाएगा, फुल वर्थ मिल जाएगा, क्या ऐसा सच में हो सकता है? सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपने भी एक साथ 2 लोगों की RAC टिकट बुकिंग कर ली है और अगर आप 1 RAC टिकट को कैंसिल कर देते हैं तो बचे हुए 1 RAC टिकट को पूरा सीट यानी फुल वर्थ मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, आखिरकार होगा क्या? तो चलिए शुरू। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने इंडियन रेलवे में 1 RAC टिकट बुकिंग करवा रखा है, यानी कि दोस्तों RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको RAC टिकट मिलता कब है। दोस्तों मान के चलिए कोई एक ट्रेन में 100 सीटें खाली है और 100 टिकट पूरा बुक हो जाने के बाद, मतलब कि जो 100 लोग टिकट पहले बुक करेगा उन 100 लोगों को एक पूरा फुल बर्थ मिलेगा, तो उन सभी लोगों का एक बिल्कुल कन्फर्म टिकट है फुल वर्थ के साथ। और अगर 100 सीट खत्म हो जाता है उसके बाद जैसे ही कोई अपना टिकट बुकिंग करता है तब दोस्तों RAC चालू हो जाती है। दोस्तों RAC लगभग 100 से लेकर 150 तक रहती है, अलग अलग ट्रेन में अलग अलग सीट पहले से RAC के लिए रिजर्व रखी जाती है। तो दोस्तों अगर मान के चलिए 100 सीट खत्म हो जाने के बाद जो सबसे पहला बंदा टिकट बुकिंग करेगा उसको RAC 1 मिलेगा, जो मान के चलिए उसके बाद कोई 2 बंदा टिकट बुकिंग करेगा एक साथ तो उसको RAC 2 RAC 3 मिलेगा, या फिर दोस्तों मान के चलिए 100 सीट खत्म हो जाने के बाद जो 2 बंदा सबसे पहले जो टिकट बुकिंग करेगा उसमें एक ही टिकट में रहेगा RAC 1 RAC 2 मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से RAC का सिलसिला चलता है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि RAC का फुल फॉर्म नाम होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। दोस्तों इसका मतलब क्या है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन? दोस्तों यहां पर सेंटेंस से यह पता चल रहा है कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन का यह मतलब हुआ दोस्तों कि आपका जो RAC टिकट है इसका मतलब है कि आपका जो है अभी से ही RAC में अगर बुक किए हैं तो हाफ सीट साइड लोअर में कन्फर्म है, लेकिन हाफ सीट अगर आपने 100 सीट खत्म हो जाने के बाद 2 लोगों का टिकट बुकिंग किया है, एक टिकट में 2 लोगों का, तो RAC 1 RAC 2 मिला होगा, तो साइड लोअर में आपको एक पूरा सीट दिया जाएगा जो कि RAC 1 एक साइड में बैठेगा और RAC 2 वाले पैसेंजर एक साइड में बैठेंगे। मतलब कि दोस्तों 2 सीट मिलना चाहिए लेकिन आपको एक ही सीट पर दोनों लोगों के एडजस्ट करके बैठ करके जाना होगा, इस कंडीशन में दोस्तों RAC मिला होगा आपको। तब दोस्तों रिजर्वेशन गेस्ट कैंसिलेशन का यह मतलब है कि आपका जो टिकट है हाफ सीट कन्फर्म है, अगर फुल सीट चाहिए तो इसका एक मीनिंग है रिजर्वेशन गेस्ट कैंसिलेशन। इसका यह मतलब है कि जो पहले से 100 लोग कन्फर्म टिकट अपना बुक करवा रखे होंगे अगर 100 लोगों में से कोई भी लोग अपना एक टिकट कैंसिल कर देते हैं तो आपका RAC 1 जो है वह पूरा कंफर्म हो जाएगा और RAC 2 जो है वह RAC 1 में आ जाएगा। और अगर कोई 100 लोग में से 2 लोग अपना कंफर्म टिकट जो बुक करवा रखे होंगे अगर वह कैंसिल कर देते हैं तो RAC 1 और RAC 2 जो है उनको दोनों सीट कन्फर्म हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि RAC कन्फर्म कैसे हो रही है, जो लोग पहले से कन्फर्म टिकट बुक करवा रखे होंगे अगर वो कैंसिल जैसे ही करते हैं तब आपका RAC वैसे ही कन्फर्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है RAC यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब कि आपका रिजर्व सीट तब हो जाएगा जब कोई कैंसिलेशन करवाएगा। तो दोस्तों RAC का मतलब यह है। अब दोस्तों क्या उसका प्रश्न था कि मान के चलिए कि 2 1 RAC टिकट है तो 1 RAC अगर कैंसिल कर दूं तो क्या एक जो RAC टिकट बच गया है तो क्या पूरा सीट मिल जाएगा? मतलब कि मान के चलिए दोस्तों RAC 1 RAC 2 आपने एक टिकट में 2 लोगों का बुक किया है, RAC 1 मिला है और RAC 2, तो मान के चलिए RAC 2 वाला पैसेंजर एक कैंसिल कर दिया तो क्या आप RAC 1 जो है उसको पूरा सीट मिल जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों RAC टिकट का पूरा सीट तभी मिलता है जब कोई एक कन्फर्म टिकट कैंसिल करवाए। अगर RAC वाला ही बंदा कन्फर्म टिकट को कैंसिल करवाएगा तो पूरा सीट मिले ऐसा 100% गारंटी नहीं है। अब गारंटी क्यों नहीं है, चूँकि जैसे ही आप RAC टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो जो वेटिंग लिस्ट वाला है वो वेटिंग लिस्ट एक जिसका रहेगा उसका RAC लास्ट वाला में आ जाएगा और जिसका RAC 3 रहेगा उसका RAC 2 में आ जाएगा, RAC 4 को RAC 3 में आ जाएगा, सबको एक एक आगे स्टेप बढ़ा जाएगा, बल्कि आपका कन्फर्म नहीं होगा। दोस्तों आपका RAC टिकट कन्फर्म तब और तभी होएगा जब कोई कन्फर्म टिकट वाला पैसेंजर कैंसिल। तो यह भूल में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा कि मेरे को कन्फर्म टिकट चाहिए तो अभी RAC चल रहा है तो मैं RAC अभी 2 को टिकट बुकिंग कर लेता हूँ और टिकट बुकिंग करने के बाद 1 को कैंसिल कर दूंगा, तो जैसे ही मैं 1 को कैंसिल करूंगा तो मेरे को जो RAC रहेगा वह पूरा बर्थ मिल जाएगा। दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका कन्फर्म होने से रहा नहीं
कन्फर्म दोस्तों होगा तभी जब कोई कन्फर्म टिकट वाला पैसेंजर कैंसिल करेगा। तो दोस्तों अगर आप एक कन्फर्म टिकट लेना चाहते हैं तब दोस्तों इस तरीके से दिमाग मत लगाइएगा। और दोस्तों हाँ, हो सकता है आपको बाद में वो जो RAC है क्लियर किया जाए, RAC 1, लेकिन दोस्तों क्लियर कब की जाती है, जब ट्रेन चार्ट बनता है तो अब देखा जाता है कि और भी कोटा में सीट खाली है या नहीं। अगर और भी कोटा में सीट खाली रहता है तो RAC वालों को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है कन्फर्म होने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा ज़रूरी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने 2 RAC टिकट बुकिंग किया है, एक कैंसिल कर दिया तो एक RAC बचा हुआ है उसका फुल बर्थ मिल जाए, ऐसा गारंटी नहीं है दोस्तों। हाँ, ट्रेन चार्ट बनने के बाद देखा जाएगा, अगर सीट उठ रहेगा खाली अदर कोटे में तो सबसे पहले आपको ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा कि RAC वालों को मैं क्लियर कर पाऊँ, लेकिन ऐसे अभी ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना मुझे बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि अगर मैं RAC टिकट दिखा रहा है, RAC मतलब कि बुकिंग करना चाहते हैं, अगर RAC दिखाता है तो 2 बुक कर लूँगा और एक कैंसिल कर दूँगा तो मेरा कन्फर्म टिकट मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस ट्रेन में RAC चल रहा है भाई, पूरा सीट खाली है ही नहीं, जो भी खाली है वो अभी RAC में खाली है, तो आपको कैसे मिल जाएगा पूरा सीट? बस पूरा सीट तब और तभी मिलेगा जब कोई कन्फर्म टिकट वाला पैसेंजर कैंसिल। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको पूरा यह जानने को मिला होगा कि RAC टिकट क्या होता है, कब कंफर्म होता है, कैसे कंफर्म होता है और किस कंडीशन से कैसे कंफर्म होता है, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या यह मेरा कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।